हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस को केजरीवाल का साथ देना चाहिए या नहीं, सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जंग जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस से सपोर्ट की भी मांग की थी, लेकिन अभी तक देश की सबसे पुरानी पार्टी ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली के अध्यादेश पर कांग्रेस को केजरीवाल का साथ देना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस पर्पज के लिए ऑल इंडिया में एक साप्ताहिक सर्वे किया गया है। इस ऑल इंडिया सर्वे में 1724 लोगों से बात की गई है। इसी हफ्ते ये सर्वे किया गया है। इस सर्वे के अनुसार 40% लोगों ने दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल का साथ देने के सवाल पर सहमति जताई है, जब 37% लोगों ने कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल का साथ न देने के फैसले का समर्थन किया है। वहीं 17% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। दोस्तों, दरअसल अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग मामले में आए केंद्र के अध्यादेश को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के अस्तित्व से जोड़ दिया है। शायद इसीलिए वे केंद्र के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं से उनके गृह प्रांत की राजधानी में मुलाकात कर रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। अभी तक 10 विपक्षी पार्टियों ने सीएम केजरीवाल का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन करने या न करने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उस मुद्दे पर आखिरी फैसला आलाकमान का होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।